महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत और बहुत सारी बधाई। देखिए, वैसे तो हम महिलाओं में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बस एक बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, और वो ये कि ना खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं, खुद की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती, खुद को बहुत कम समझती हैं। इतना पोटेंशियल है उनमें, इतना पोटेंशियल है उनमें, पर नहीं, मतलब अंडर एस्टिमेट किए जाएंगी खुद को। देखिए, अभी भी आप में से कुछ लेडीज यही बोल रही है ना कि हमें क्या है, हमें कुछ नहीं है, हमें क्या पोटेंशियल है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आज महिला दिवस है ना, तो इसी बारे में ही मैं बात करती हूँ, ये बताती हूँ कि क्या है, समझिए इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत करते हैं काम से। एक लेडी, ठीक है, चाहे वो हाउसवाइफ है, ठीक है, चाहे वो वर्किंग है, घर तो फिर भी संभालती है, संभालती है कि नहीं, गृहिणी कहलाती है कि नहीं कहलाती। तो गृहिणी का मतलब पता है आपको, गृह ऋणी, गृहिणी मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा का पूरा घर ऋणी, वो है गृहिणी। और क्या है महिला, छोटी सी गूगल होती है, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना हम पूरी दुनिया, छोटी सी घर की गूगल होती है, छोटे से छोटे सामान से लेकर एक एक जने की, कितनी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, सबकी एक एक छोटी से छोटी फीलिंग भी पता होती है, पता है आपको, पता ही होगा आपको, तो पता है ना सबका। और शर्ट का बटन टांकने से लेकर अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में कभी भी पीछे नहीं हटती, ये तो पोटेंशियल है उसमें, इतना तो वो कुछ कर सकती है। देखिए, अगर एक लेडी अपने हस्बैंड के पीछे है तो उसका मतलब ये है कि वो उसका सम्मान कर रही है। एक लेडी अगर अपने हस्बैंड के आगे है तो वो उसकी ढाल बन के खड़ी है। और एक लेडी और एक हस्बैंड दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बाहर ही बाहर है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और एक बात ये भी तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, भाई जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। क्यों पूजनीय माना गया है पता है आपको, नारी को पूजनीय क्यों माना गया है, क्योंकि मौत की आगोश में जाकर वो जिंदगी को जन्म देती है। कोई छोटी बात है ये, कोई छोटी बात है ये, तो इस चीज़ को समझिए। और मेरे हिसाब से तो ना वो एक चलती फिरती लक्ष्मी है। देखिए, एक तो वो खाना बनाती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, ठीक है, और घर की लक्ष्मी तो है ही, वो लक्ष्मी तो बोलते ही हैं, बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षित करती है सरस्वती की तरह, है ना, रक्षा करती है घर की काली की तरह, संकट दूर करती है दुर्गा की तरह, कोई कम है क्या। देखिए, अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे सुलग सुलग कर और पूरे वातावरण को महकाती है वो, धीरे धीरे सुलग सुलग, मतलब खुद सुलगती रहती है, खुद जलती रहती है, पर वातावरण कैसे करती है, सुगंधित कर देती है। हम क्या सोचते हैं कि हम तो पिस रहे हैं, अरे आप ये देखिए ना, इलायची के दाने देखे हैं आप तो, यूज़ करती होंगी किचन में इलायची के दाने, जितना उसको पीसते हैं ना हम, उतना उसकी महक और बढ़ जाती है, जितना उसको कूटते हैं पीसते हैं। और मेहंदी देख लीजिए हिना, जितना उसको पीसते हैं, जितनी अच्छी तरह, उतना ही रंग लाती है ना, तो इतना ही रंग लाती हैं और खूबसूरत हो जाता है। जो चार दीवारी होती है ना, जो घर बन जाता है ना, होम स्वीट होम, वो सिर्फ महिलाओं की वजह से ही बनता है। महिला ना होना घर पे तो वो घर खाने को दौड़ता है। और आप कितना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, कितना, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को बाहर निकालिए कि मैं भी कुछ हूँ, अपने अंदर जो खास बात है उसको बाहर निकालिए, दिखाइए आप, अपनी वीकनेस के बारे में गुणगान किए जाएंगी, गुणगान किए जाएंगी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मोहताज नहीं है औरत, मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवान है इस कायनात की, वो तो खुद बागवान है इस कायनात की। तो मुझे लगता है कि महिला दिवस की सार्थकता तभी है, मैं बड़ी बड़ी बातें भाषण देने से नहीं है, हम खुद को पहचान, एक इंडिविजुअल खुद को पहचाने, मैं भी क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, अपनी स्ट्रेंथ, ये होना चाहिए आपका डायलॉग आज के बाद, कि अब तो मेरे हौसलों की उड़ान देखना, हम तो वो परिंदे हैं जो पिंजरा ले उड़ेंगे, हम तो वो परिंदे हैं जो पिंजरा ले उड़ेंगे, ये होनी चाहिए सोच। तो मैं तो आज यही मोटिवेट करने आई थी, क्योंकि ना महिला दिवस आता है, फिर बेशक हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दिन करते हैं, नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाती है,
8 मार्च को की और 9 मार्च को फिर वही रूटीन वही सब। तो जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक सही मायनों में महिला दिवस हम नहीं मना पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।